हे गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन यानी भाग, और हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा सूत्र परावर्त योजित। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग सूत्र परावर्त योजित, डिवीजन सूत्र परावर्त योजित। ओके, हम हमारी क्लास 10th एक्सरसाइज फर्स्ट का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 16 यानी 16। तो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी रहेगी फर्स्ट और क्लास है हमारी 10th। क्वेश्चन है हमारे पास 16। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 1154 को हम डिवाइड करेंगे 103 से। तो 1154 को हम 103 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भाग संक्रिया के तीन खंड कर लेंगे। ठीक, देखिए इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक, ओके। अब बाईं ओर से प्रथम खंड में ऊपर लिख देंगे हम भाजक। भाजक कितना है हमारा, यानी डिवीजर है हमारा 103। इसके नीचे लिखते हैं हम विचलन। विचलन आ जाएगा हमारा 03। विचलन 03 कैसे आया? यहां पर हम डिवीजर देखते हैं तो हमारा डिवीजर है 103। तो इसका नियरेस्ट जो बेस है यानी कि नजदीकी जो आधार है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या में से आधार को घटा दो, विचलन आ जाएगा। तो हमारे पास जो भाजक है वो कितना है? 103, और 103 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा विचलन। कितना आ जाएगा? 03। ओके, इसके नीचे लिखते हैं हम फिर परिवर्ती अंक। परिवर्ती अंक आ जाएगा, देखो विचलन का विपरीत चिन्ह होता है परिवर्ती अंक, तो परिवर्ती अंक आ जाएगा 0-3, क्योंकि -0 तो लिख नहीं सकते तो इसको लिख देंगे हम 0-3। हम यहां पर -3 की जगह देखो बिल्कुलम 3 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये 3 है और इसके ऊपर अगर एक लाइन खींच देते हैं तो ये बन गया बिल्कुलम 3। ठीक है, तो ये बिल्कुलम 3 का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है -3। तो इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अब यहां पर इस प्रकार से ये लाइन खींच लेंगे। अब तृतीय खंड में आधार में 2 जीरो हैं, तो भाज यानी डिविडेंड के उतने ही अंक हम तृतीय खंड में रखेंगे जितने आधार में 0 हैं। तो आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंक आ जाएंगे किसके? भाज्य के। तो यहां पर रख दूंगा मैं 5-4। शेष अंक आ जाएंगे मध्यखंड में, तो मध्यखंड में आ गए 2 अंक। ठीक, ओके। अब मध्यखंड में बाईं ओर से प्रथम अंक को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और इसको परिवर्ती अंक से गुणा करेंगे। तो एक को हम जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा मध्यखंड में द्वितीय अंक के नीचे। एक को -3 से गुणा करेंगे तो -3, अब ये तृतीय खंड में पहले अंक के नीचे आ गया और ये हमने लगा दिया डैश। ठीक, एक को जब 0 में जोड़ेंगे तो ये आ गया 1। अब एक को हम गुणा करेंगे किससे? परिवर्ती अंक से। तो एक को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब देखो इसको लिखेंगे हम तृतीय खंड में पहले अंक के नीचे, तो ये आ गया 0। इधर एक को -3 से गुणा करेंगे तो -3, ये लग दिया हमने तृतीय खंड में द्वितीय अंक के नीचे। अब इधर ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आ गए प्लस के 1।
इधर 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो आ गए प्लस के 2। तो हमारे पास ये आ गया क्या, भागफल, यानी ये आ गया कोसेंट, और ये आ गया शेषफल, यानी कि ये आ गया रिमाइंडर। तो ये आ गया हमारे पास भागफल और शेषफल आ गया हमारे पास 21। चलिए एक्सरसाइज का नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, यानी 17। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, क्वेश्चन है 17 है और क्वेश्चन है हमारा 13 58, यानी 1358 को डिवाइड करना है हमें 113 से। 13 58 को हमें डिवाइड करना है 113 से, ठीक। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं भाजक है हमारा कितना आ जाएगा, भाजक आ जाएगा हमारा कितना, ये डिवीजर आएगा 113, ठीक। आधार हमारा, इसको देखकर हमारा जो नियरेस्ट बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। विचलन कितना आ जाएगा, तो विचलन आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक। यहां आएगा विचलन 30। ओके, परिवर्ती अंक देखो, ये प्लस का आया तो परिवर्ती अंक आ जाएगा माइनस में, तो परिवर्ती अंक को लिख देंगे हम -1 और -3, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विनकुलम 1 और विनकुलम 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विनकुलम 1 और विनकुलम 3, ठीक। आओ, आधार में है 20, तो तृतीय खंड में भाज यानी डिविडेंड के 2 अंक चले जाएंगे, तो हम लिख देंगे इधर 58 और बाकी मध्यखंड में हम लिख देंगे 13। मध्यखंड में बाईं ओर से पहले अंक को उत्तर के स्थान पर लिख लेंगे और इसे फिर हम परिवर्ती अंक से गुणा कराएंगे, तो 1 को -1 से गुणा कराएंगे तो -1, -1 को लिख देंगे हम मध्यखंड में द्वितीय अंक के नीचे, 1 को -3 से गुणा कराएंगे तो -3, इधर आ गया डैश, ठीक। अब ये 3 और ये माइनस का 1, तो यहां पर आ गए प्लस के 2। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, 2 को हम परिवर्ती अंक से गुणा कराएंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, ये तृतीय खंड के पहले अंक के नीचे आ गया, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6। ओके, इधर प्लस का 8 और ये माइनस के 6, तो इधर आ गया प्लस का 2। ये देखिए 5 प्लस का है और ये -3 और -2 -5, तो ये क्या आ गया 0। तो हमारे पास फाइनली ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। तो भागफल हो गया हमारा कितना 12 और शेषफल हो गया 0 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 18। क्वेश्चन है हमारा 18 और 18 का क्वेश्चन है हमें डिवाइड करना है 1432 को 88 से, तो हमें 1432 को डिवाइड करेंगे किससे, 88 से, ठीक। अब फटाफट से भाजक कितना आ जाएगा, डिवीजर आ गया हमारा 88, विचलन देखिए, अब नियरेस्ट बेस कितना हो जाएगा 100, तो विचलन कितना आ जाएगा, यानी कि संख्या में से हम आधार को घटा देंगे, तो ये आ गया -12, तो यहाँ आ गया -12। अब देखिए विचलन माइनस में आया है तो परिवर्ती अंक प्लस में आएगा, यानी हम चिन्ह क्या देंगे, विपरीत कर देंगे, तो ये आ गया 1 और ये 2, ठीक। इधर माइनस का था तो इधर परिवर्ती अंक आ जाएगा प्लस में। आधार में कितनी 0 है, 2 0 है, तो तृतीय खंड में 2 अंक रख देंगे, तो ये आ गया 3 और 2, शेष मध्य खंड में, ठीक है। अब मध्य खंड में बाईं ओर से पहले अंक को उत्तर के स्थान पर लिख लेंगे, लिख लिया, इसको परिवर्ती अंक से गुणा कराएंगे, तो 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो ये 1 आ गया, 1 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2, इधर डैश, ये 4 और 1 ये 5, 5 को 2 से 1 से गुणा कराएंगे तो 5,
और 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो 10। ओके, इधर 2 और 10 हो गए 12, 12 का हो गया 2 और 1 आ गई कैरी यानी हासिल आ गई। 3 और 2 5 और 5 10 और 1 कैरी यानी हासिल की 11, तो 112। अब यहाँ पर हम देखें ये जो कंडीशन है वो इस प्रकार की बन रही है। देखिए ये है 88 यानी 88 है हमारा भाजक और शेषफल आ गया हमारा 112। यह वाली कंडीशन में हमारा जो शेषफल है वो बड़ा है किससे, भाजक से। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पर कौन सी डिजिट ऐड करें जिसे हम भाजक से गुणा करें और जो भागफल आए उसको हम इससे घटा देंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं एक ऐड करता हूं तो एक को हम भाजक से गुणा करेंगे तो ये 88 आ जाएगा और 88 को हम 112 से आसानी से घटा सकते हैं। अगर मैं यहां पर दो ऐड करता हूं तो 88 दूनी हो गए 176 यानी 176 और 176 को हम 112 से नहीं घटा सकते तो हम यहां पर एक ऐड करेंगे। तो यहां पर मैंने कर दिया एक ऐड और इधर एक को इससे गुणा करेंगे किससे, 88 से। तो हमने गुणा कर दिया 88 × 1 = आ गया 88, इसे कर देंगे माइनस तो ये कितना आ गया, ये आ गया 24 और ये कितना आ गया, ये आ गया 16। तो हमारे पास जो भागफल आ गया वो आ गया कितना, 16 और शेषफल आ गया कितना, 24। ठीक, ओके। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, 14885 को यानी 14885 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 123, 123 से। 14885 को हम 123 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम भाजक आ जाएगा हमारा यानी डिवीजन आ जाएगा 123। अब विचलन, नियरेस्ट बेस आ जाएगा, आधार आ जाएगा हमारा 100, विचलन आ जाएगा 23। तो इधर आ गया विचलन 23। अच्छा, परिवर्ती अंक इसका विपरीत कर दो, ये प्लस का है तो आ जाएगा हमारा माइनस का, तो यहाँ आ गया -2 और -3। इसे हम विनकुलम के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये विनकुलम 2 और विनकुलम 3, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब आधार में 20 है तो भाज्य के 2 अंक चले जाएंगे किसमें, तृतीय खंड में, तो इधर 2 अंक आ जाएंगे तृतीय खंड में, तो 85 तो आ गया ये तृतीय खंड में और बाकी शेष को हम रख देंगे मध्य खंड में। अब मध्य खंड में बाईं ओर से पहले अंक को हम लिख देंगे उत्तर के स्थान पर, इसे हम गुणा कराएंगे परिवर्ती अंक से, तो दो, एक को हम -2 से गुणा कराएंगे तो -2, ये आ जाएगा मध्य खंड में द्वितीय अंक के नीचे। एक को फिर -3 से गुणा कराएंगे तो -3, ये आ गया मध्य खंड में तृतीय अंक के नीचे। ओके, अब यहां पर देखिए ये 4 है इधर डैश, ये 4 और ये -2, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस का। सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे, 2 को -2 से गुणा कराएंगे तो -4, ये मध्य खंड में तृतीय अंक के नीचे लिख दिया, और 2 को -3 से गुणा कराएंगे तो -6 तृतीय खंड में पहले अंक के नीचे, और इधर आ गया ये डैश। इधर देख सकते हैं हम ये 8 है प्लस का और ये -3 और ये -4, यानी कि हमारे पास बन गया प्लस का वन हमारे पास शेष रहा। एक को हम -2 से गुणा कराएंगे तो ये आ गया कितना, -2, तृतीय खंड में पहले अंक के नीचे लिख देंगे, और एक को -3 से गुणा कराएंगे तो ये -3, तो ये आ गया तृतीय खंड में द्वितीय अंक के नीचे। इधर 5 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये प्लस के आ गए हमारे पास 2, 8 प्लस का है और ये -6 और -2, माइनस का 8 और प्लस का 8 यानी 0, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास भागफल और ये आ गया हमारे पास शेषफल 121, 121 और शेषफल आ गया हमारे पास 02। तो आई होप कि गाइज आपको ये विधि अच्छे से समझ में आई होगी।
गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपका कमेंट या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं बोलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।